हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे फर्स्ट फिल्टर, जो कि है कैपेसिटर फिल्टर। अब नाम से ही पता चलता है कि कैपेसिटर फिल्टर में कैपेसिटर यूज किया है। इस फिल्टर को शंट कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो लोड रेजिस्टेंस को पैरेलल में यानी कि शंट में कनेक्टेड है। ये हमारी रेक्टिफायर की आउटपुट वेवफॉर्म है, जो कि पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी में से हमें रिपल जो है, जो अनवांटेड कंपोनेंट है, वो रिमूव करके हमें स्टेडी स्टेट डीसी लाना है। उस चीज़ के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर कैपेसिटर हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे कि कैपेसिटर की टेंडेंसी है वो जब तक पीक वोल्टेज आएगा तब तक वो चार्ज करेगा, यानी कि अपने आप में चार्ज लेते रहेगा और फिर बाद में वो चार्ज रिलीज करेगा। अब जब जीरो से लेके Vm तक जाएगा वोल्टेज, तब तक जो कैपेसिटर है वो चार्ज होते रहेगा और Vm से पाए तक वो रिलीज करते रहेगा। तो जब तक जीरो से Vm है तब A टू B आउटपुट मिलेगा, यानी कि ये लाइन मिलेगी, और जैसे ही रिलीज करने लगेगा तो लाइन फिर से नीचे आने लगेगी, यानी कि B टू C मिलेंगी, फिर से C टू D, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेंगी। इस तरह से जो DC कंपोनेंट है, जो पल्सेटिंग DC कंपोनेंट है, उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी और हमें इस तरह से लाइन मिलेंगी। ये हो गया इस फिल्टर का आउटपुट। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन आरसी टाइम कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू आरएल इनटू सी। इस तरह से हम रेट ऑफ डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है, और इन प्रैक्टिस द कैपेसिटर इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टाइप, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट टाइप का कैपेसिटर हम यूज करते हैं। रिपल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग सी और आरएल और पोथ। जैसे कि हम आरएल और सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बड़ी रेटिंग का हम यूज करेंगे, वैसे ही जो रिपल है, जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें जो रिपल कंपोनेंट है वो कम कम होते जाएंगे और मोर क्लीन आउटपुट हमें मिलेगा। व्हेन द सर्किट इज चार्जिंग द इनिशियल चार्जिंग करंट इज लार्ज। जब सर्किट चार्ज होता है तब इनिशियल चार्जिंग करंट जो है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उसे सर्ज करंट कहा जाता है। यह है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, जो कि है XC इज इक्वल टू 1/2πfc। 2πf को हम ओमेगा भी लिखते हैं, या इसीलिए 1/ωc। सो इसमें से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएंगी, XC कम होता जाएगा, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, XC कम होता जाएगा। इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। टू अवॉइड द डैमेज ड्यू टू द सर्ज करंट, द कैपेसिटर शुड बी सिलेक्टेड दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम रिपल ऑफ अबाउट 10% ऑफ डीसी लोड वोल्टेज। यानी कि इनिशियल करंट जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, उससे डैमेज हो सकता है, तो इस वजह से वो डैमेज ना हो इसीलिए कैपेसिटर शुड बी सिलेक्टेड दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम रिपल of about 10% of a DC load voltage. 10% DC load voltage का रिपल प्रोड्यूस कर सके, इतना ही कैपेसिटर की रेटिंग हम यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? दिस सिंपल कंडेंसर फिल्टर रिड्यूसेस द परसेंट रिपल फ्रॉम 48% टू 5%। दिस फिल्टर इज सूटेबल फॉर लो करंट एंड हाई वोल्टेज सर्किट, लो कॉस्ट एंड स्मॉल साइज। लो करंट और हाई वोल्टेज के सर्किट के लिए यूज किया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो नॉट सूटेबल फॉर हेवी लोड करंट बिकॉज रिपल इंक्रीजेस फॉर हेवी लोड करंट। अभी हमने देखा रिपल इंक्रीज हो गई तो कैपेसिटर डैमेज हो सकता है, इसीलिए हेवी लोड करंट के लिए ये यूज़ नहीं होता है।
ये था कैपेसिटर फिल्टर का वर्किंग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।